गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा रान शोल्डर फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स सी फूड स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस वाइड रूम स्पेस विद टू दस्तरखान सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18 इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+ पार्किंग अवेलेबल द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स आज ही आए हम आपका खैर मकदम करते हैं। पहले से ऑलरेडी हमारा ये बड़ा तालाब था तो वो लोग ने आरसीसी के नाम पे छोटा कर दिया। 3 टप्पे में सीढ़ी बना करके दे दो। आवर्स अभी भी देने को तैयार है, अभी भी देने को ट्रस्टी काम नहीं करने दे रही है। हाँ तोड़ने नहीं देंगे। दोगे आप मुझे पैसा? गांव के पैसे से होगा। शुरू कहाँ हुआ काम जो बचा हुआ होगा तब तक जब तक सरकार ना दे। बोलो ना मेरी कमी मैं नहीं गया। हाँ उन्हें गुड फेथ में फोड़ दिया होगा नारियल, हमसे परमिशन नहीं ली। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर तालाब पर और आपको बता दें कि आने वाले 19 तारीख को छठ पूजा है और एक बार फिर तालाब के काम को लेकर यहां पर हंगामा मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज तालाब के काम को लेकर यहां पर पायरी बनाने के लिए आज सुबह के वक्त सुधीर भगत और शशि यहाँ पहुँचे थे और नारियल फोड़कर काम का उद्घाटन जो है करने की कोशिश की उस जगह पर और नारियल फोड़ा गया और मिस्त्री एक आया काम करने के लिए। उसके बाद जो शंकर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं गुप्ता जी, उन्होंने इस काम को रुकवा दिया, जिसके बाद यहां पर काफ़ी हंगामा हुआ और मौके पर पुलिस को भी आना पड़ा। दरअसल जो छठ पूजा होती है उसको लेकर यहां पर पायरी बनाने की यानी सीढ़ी बनाने की मांग की जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं वो कि यहाँ पर सीढ़ी बनाने की मांग की जा रही है क्योंकि जो आरसीसी का वो बनाया गया है वहाँ से डायरेक्ट पानी में उतरने में काफ़ी गहराई है, तो अगर इसे सीढ़ी बन जाएगी तो लोग आसानी से उतर जाएंगे इसमें। लेकिन शंकर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब नारियल फोड़ा गया आज सुबह के बस वक्त उसकी काम की कोई परमिशन नहीं ली गई, शंकर मंदिर ट्रस्ट से कोई जानकारी नहीं ली गई, इसलिए जो है वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया गया और काम को रुकवा दिया। हालांकि सुधीर भगत और जो शशि हैं चेतना मैडम हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पायरी बनाया जाएगा, लेकिन जो गुप्ता जी हैं शंकर मंदिर के ट्रस्टी उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे वो तोड़ने नहीं देंगे। जिस तरह से ये कंक्रीट आप देख रहे हैं इसे उन्होंने कहा है कि ये तोड़ने नहीं देंगे क्योंकि समय कम है, ऐसे में छठ पूजा के लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें तकलीफ़ होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गुप्ता जी ने ये भी कहा है कि हम बना कर देंगे, कुछ उनके पास इसकी निधि है, कुछ पैसे वगैरह हैं जो आया है तो उसको वो बनाकर देने की बात कह रहे हैं कि लेटर दिए देंगे, उसके बाद जो है इसका काम शुरू किया जाएगा। लेकिन आने वाले 19 तारीख को छठ पूजा है, ऐसे में एक बार फिर तालाब के काम को लेकर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फिर सुधीर भगत यहाँ पर पहुँचे थे, चेतना मैडम थी, शशि थे, शशि से ही पिछले साल जो यहाँ के विधायक हैं जितेंद्र भाट, उन्होंने कहा था कि टप्पा बनाने के लिए जो भी पैसे लगेंगे जैसे 50 लाख की बात की थी उन्होंने कि 50 लाख ले लेना और ये सब जो है टप्पा बनाकर ले लेना ताकि अगले साल जो है यहाँ पर किसी भी तरह की जो है कठिनाई ना हो। लेकिन पूरा साल गुजर गया, अब छठ पूजा आई फिर आ गई है तो यहाँ पर 10-15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है तो यहाँ पर एक बार फिर काम करने को लेकर हंगामा मचता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बात की है सुधीर भगत से, इसके अलावा जो ट्रस्टी हैं गुप्ता जी उनसे भी बात की है और शशि राज जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं विधायक जितेंद्र भाट के काफ़ी करीबी हैं, उन्हीं को जितेंद्र भाट ने कहा था 50 लाख रुपया लेकर इसे बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं उनको पैसा मिला, उसके बारे में भी उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जी भैया, आप लोगों ने काम शुरू कराया था यहाँ पर जी, क्या हुआ उसका? जैसा है कि छठ पूजा को लेके हमको जो पायरी चाहिए, जो पायरी आज सालों से उसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसके लिए हमने ट्रस्ट को लेटर दिया कि अगर हमें मुमरेश्वर ट्रस्ट बना के देती है पायरी तो अच्छी बात है, हमें बनाने की परमिशन दे। तो हम वो अर्जी डाले, 4-5 दिन हो गया अर्जी पे हमारा कोई रिप्लाई नहीं आया, हमारे पास समय कम है तो हमने वो काम चालू किया।
ट्रस्ट के तरफ से नोटिस लगाए कि काम आप मत करो, आप पहले बैठ के बात करो कि आपको क्या है, कैसा है, क्या करने का है। तो वही अभी बैठ के बातचीत हुआ, आए थे ट्रस्टी के लोग जो भी थे, सुधीर भगत साहब भी आए थे, हम उनसे भी गए। ये हम समिति के तरफ से हम अपना बना के ले रहे हैं, उसमें भी मतलब ट्रस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाई। ट्रस्ट अब तरफ से कहा जा रहा है कि जो बना हुआ है वहाँ पर आरसीसी काम, उसे तोड़ा नहीं जाएगा। वो उनका कहना तोड़ा नहीं जाएगा, तो अगर हम पाइवट जो बनाएंगे तो थोड़ा बहुत तो डिप लेना पड़ेगा, जब तक नहीं लेंगे लोग उतरेंगे कैसा पानी में। लेकिन ये जो छठ पर्व है, सुनिए, छठ पूजा अभी 20 दिन बाकी है, 19 तारीख को छठ पूजा है, कैसे बनाएंगे? मैं 10 से 15 दिन में मैं पूरा तालाब का काम अभी पूरा नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ने जो पैसा इकट्ठा किए हैं वो पैसे से हम एक साइड का पूरा करके ले। कितना पैसा इकट्ठा किया आपने? अभी हमारे पास 3-4 लाख रुपया हो चुका है, और भी आने वाले हैं फंड, मतलब 5-6 लाख रुपया हम लोग के पास है। इसके पहले आवाज साहब ने आपको कहा था 50 लाख रुपया देता हूँ, आवाज साहब अभी भी देने को तैयार है? अभी भी देने को? ट्रस्टी काम नहीं करने दे रही है। नहीं, आप तो अभी 20 दिन पहले आए, ठीक है। नहीं नहीं, मैं जगह पे नहीं था, पूजा खत्म होने के बाद मैं जगह पे नहीं था। पहली चीज जी, उसके बाद आपको कहा गया था 50 लाख लेके आप काम कर देना जी, तो पत्र व्यवहार शुरू से करके अगर आप करते तो हो जाता ना। अभी 20 दिन में आप कहाँ कहाँ पत्र व्यवहार करेंगे? नहीं नहीं, पत्र मतलब पल्ला झाड़ लेंगे? नहीं नहीं, पत्र व्यवहार जहाँ जहाँ करना है हमने ट्रस्ट को दिया, टीएमसी में दिया, पुलिस चौकी में दिया। कब दिया? हो गया हफ्ते दिन की बात है, हफ्ते दिन की बात है। लगभग परमिशन पहले अवर साहब आए थे और बोला था, उसके बाद आप कितनी बार तालाब पे आए थे? और तालाब पे हम आए थे, कुछ ऐसा तकलीफ आ चुकी थी, कुछ मुसीबतें आ चुकी थी, जिस वजह से हम साहब के पास नहीं जा पाते थे, नहीं मिल पाए। वो सब आप लोग को भी पता है कि कुछ राजनीति की वजह से व्हाट्सएप के ऊपर ब्लेम किया गया, उनके ऊपर झूठे एफआईआर ये सब हुआ। सुनिए ना, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके घर में दुख तकलीफ है, मुझे आपसे पैसा लेना है, आप बोले हो मैं आपके जाऊँगा तकलीफ में लेने, आप मुझे दोगे पैसा? दोगे आप मुझे पैसा? इनसे राजनीति कर रहे हैं आप, दुख तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, बता रहे हो? नहीं नहीं, दुख तकलीफ की बात नहीं। किससे आवाज साहब राजनीति नहीं कर रहे क्या, जब से उनके ऊपर एफआईआर? नहीं नहीं, राजनीति की हमने क्या, हमारे भी हम गांव थे, हम नहीं थे यहां पे, हम बाहर गए थे। कहां गए थे? हम बाहर गांव गए थे। आप भी घूम रहे थे? हाँ, तो हम बाहर गांव गए थे, हम नहीं थे यहाँ पे। ऐसा बोलो ना कि मैं बाहर गांव गया। नहीं नहीं, लेकिन कुछ मैं जब बोल रहा हूँ, जो बोले ना आपने कि अभी तक नहीं आए, ये आए, उसके बारे में बोल रहा हूँ कि कुछ तकलीफ थी, इसकी वजह से नहीं हम बात कर पाए। वो हमारी समिति, हमारी कमी है, आवाज साहब की कमी नहीं। आवाज साहब कल भी आए थे, अभी 4 रोज पहले। तो आवाज साहब की कमी कोई नहीं बता रहा है? नहीं, हाँ मैं संपर्क, हाँ मैं बोल रहा ना, मेरी कमी, मैं नहीं गया, मैंने ये नहीं बोला कि साहब अभी 4 रोज पहले भी आके गए। क्या तकलीफ है वो छोड़ दो। सुनिए ना, 4 रोज पहले भी साहब आके गए, और साहब ने ये भी बोले 50 लाख मैं अभी भी देता हूँ, तेरे को जिधर करना है कर, लेकिन हमें ट्रस्ट की तरफ से करने नहीं दिया जा रहा है। हमने ट्रस्ट को लेटर, अभी भी ट्रस्ट, अभी हम खुद के पैसे से कर रहे, तो भी हमें ट्रस्ट नहीं करने दे रही है। ट्रस्ट का ये कहना है कि एंड मोमेंट पे आप आए हो। नहीं नहीं, हमारे एंड मोमेंट, हम अपना कब करेंगे हमको मालूम है, हम कर लेंगे। नहीं, उनके ऊपर नहीं जिंदा, क्योंकि ट्रस्ट कह रहे हैं कि ये काम हो ही नहीं पाएगा हमारे। अरे हम कर लेंगे ना, हमको मालूम है। 15 दिन में काम कैसे करेंगे? छठ पूजा आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, मटेरियल बिखरा पड़ा है। आप ट्रस्ट से सुनिए ना, आप ट्रस्ट से बात कर लीजिए, अगर ट्रस्ट मंजूरी देती है ना, हम 10 दिन में करके देते। गुप्ता जी ने कहा कि हम तोड़ने नहीं देंगे। नहीं, हम तोड़ने वोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर पाइवट बना के ले रहे, जिससे हमें बैठने के लिए सीढ़ी हो सके तालाब में उतरने का, समझ गए? अभी अभी ट्रस्ट बोली है कि आप बना के लो, तो हम बना के अपने पैसे से हम काम करेंगे, अपने पैसे से हमको बना के ले लेंगे। सुधीर भाई, आज आप लोगों ने इस तालाब के काम के लिए सुबह में नारियल फोड़ा, और ऐसी खबर आई सामने कि काम की शुरुआत हो रही थी लेकिन काम रोक दिया गया, क्या पूरा मामला हुआ? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर काम इसलिए हो रहा था कि कई दिनों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या और कोई जरिया हो, थोड़ा सा डिले हो रहा था काम में, और अभी कुछ दिनों के बाद छठ पूजा यार ये आने वाली है, तो वहाँ के जो उत्तर भारतीय उनका कहना था कि हमको 3 टप्पे में सीढ़ी बना करके दे दो, ताकि थोड़ा एक थोड़ा सा पैच है वो उतना बना के दे दो हमको, तो ताकि वहाँ पर हम लोग सही से छठ पूजा करें। तो एज अ हम भी ट्रस्ट में थे कुछ वक्त के लिए, हमारे चाचा है, गुप्ता जी है, तो हमने सोचा कि ठीक है, चलो गांव का पैसा निकाल करके अगर कुछ अच्छा होता रहेगा तब तक, जब तक सरकार ना दे। अब सरकार ने, गुप्ता जी ने मेहनत किया है और उनकी मेहनत रंग लाई है, और 2-2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्चा होने वाला है इस ट्रस्ट के ऊपर, तो उससे उसके पहले उसके दौरान अगर हमारे से कुछ बनता है तो हम लोग चाहते थे कि वो हो जाए। आज गुप्ता जी भी है और गुप्ता जी ने भी कहा कि अगर वो करते तो वो करेंगे, हम करते तो हम करेंगे, क्योंकि एक गाँव की मसला है, ये कोई बाहर का मसला नहीं है, गांव का मसला है। और मैं कभी भी मैं तो यहाँ कोई पार्टी बन के नहीं आया हूँ, क्लियर कट, ना मैं कोई पार्टी से हूँ। एक कुछ लोग मेरे पास आए थे कि साहब हमको थोड़ा सा फाइनेंस कर लीजिए और कुछ हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा हमको एक सैंपल बना करके हम ये करते हैं,
उन्होंने ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो काम होगा वो सीढ़ी बनाने का वो किसके होगा, हम लोग मिलकर करेंगे। किसके पैसे से होगा? गांव के पैसे से होगा। 20 तारीख को छठ पूजा भी है, गांव के पैसे से होगा। कब तक हो जाएगा? गांव के पैसे से होगा। काम कब शुरू होगा? अभी वो बैठ के बात करेंगे और कैसे क्या करना है देखेंगे। क्या मामला यहाँ पर हुआ? हम लोग आए थे यहाँ पर तालाब के काम को लेकर, क्या बात है? कोई मामला नहीं है, ये आपस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों का बीच का फर्क था। वायरल होते हैं कोई छोटी मोटी बात के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ। तो अभी जो सीढ़ी बनाने को लेकर बात चल रही है तो सीढ़ी बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, आपस में अभी हम लोग का विचार विमर्श करने का, हमारी मीटिंग में डिसाइड करने का। तोड़ने की बात आ रही तो कुछ लोग तोड़ने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे, नहीं। पहले से ऑलरेडी हमारा ये बड़ा तालाब था तो वो लोग ने RCC के नाम पे छोटा कर दिया उसको, तालाब को, और इसको छोटा नहीं करने देंगे तोड़ के। अच्छा, ये बचा हुआ काम जो भी है वो कितने दिन में होगा? महीने में भी बोला। कौन सा अभी शुरू कहाँ हुआ? काम होने का है। शुरू कहाँ हुआ? काम जो बचा हुआ होगा कब तक शुरू होगा? नहीं, कुछ लोग तय नहीं हुआ यहाँ पे। सुधीर भगत आए थे नारियल तोड़ा उन्होंने काम के लिए, तो क्या हाँ उन्होंने गुड़ फेथ में फोड़ दिया होगा नारियल, हमसे परमिशन नहीं ली। अच्छा, मतलब मंदिर से NOC ना लेते हुए काम शुरू? हाँ, गुड फेथ में। तो अभी आपने रोक दिया होगा? हम भी ये समझे कि भाई ये पूजा वूजा कर रहे होंगे नारियल वाले, फोड़ते हैं मंदिर में आकर के लोग, तो हमने भी कुछ नहीं बोला उनको। लेकिन जब देखा कि कोई मिस्त्री यहाँ पर काम करना शुरू करना चाह रहा है तो उसको रोक दिया। तो हाल फिलहाल में काम ये कौन कराएगा? ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा होगा या कौन करेगा? अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, हो सकता है कि मंदिर ट्रस्ट करे और हो सकता है कि छोटा मोटा काम हो और वो करना चाहे तो कर लो भाई, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ।